फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की एक बहुत अहम कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को हम कैपिटल एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं वेयर एफ स्टैंड फॉर फॉरेन एंड एक्स स्टैंड फॉर एक्सचेंज या इसको सिंपली हम क्या करते हैं फॉरेन का एफ ओ आर लेते हैं एक्सचेंज का ई एक्स लेते हैं और फॉरेक्स बोल देते हैं तो दैट इज़ अनदर टर्म विच इज़ कॉमनली यूज्ड टू टू टेल अबाउट फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो फॉरक्स भी बोलते हैं अब इसकी खास बात क्या है फॉरन एक्सचेंज मार्केट की दिस इज एन ओवर द काउंटर यानी कि ओ टी सी ग्लोबल मार्केट प्लेस ग्लोबल मार्केट प्लेस का क्या मतलब है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएंगे आपको वहाँ फॉरन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिलती है और ओवर द काउंटर का मतलब यह है कि आपको कोई स्पेशलाइज मार्केट में स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन के अंदर स्पेशलाइज लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है आप किसी भी जगह पे अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर आपने एक्सचेंज करने आपके पास आपको आपके पास पाउंड स्टर्लिंग्स पड़ी हुई आपको डॉलर चाहिए या पाकिस्तानी रुपीस चाहिए या पाकिस्तानी रुपीस को आपने डॉलर में कन्वर्ट करना है तो अगर आपके किसी दोस्त के पास हमसाए के पास डॉलर रखे हुए हैं या कोई भी वो करेंसी रखी हुई है जो आपको चाहिए तो आपको बाकायदा किसी बड़े से बैंक में या किसी बड़े से इंस्टीट्यूशन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है आप घर में बैठ कर भी ये ट्रांजेक्शन को अकाउंट को ले के को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑल यू नीड टू डू इज आपने दोनों ने बैठ के खरीदार ने और सेलर दोनों ने आ, उस दिन का रेट देखा एक्सचेंज रेट जो दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उसके ऊपर आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी मेक्स इट ओवर द काउंटर तो ग्लोबल मार्केट प्लेस है एवरीवेयर इन लुकिंग फॉर एक्सचेंज तो उनको uh, आसानी के साथ मुहैया हो जाती है जो बड़ी बड़ी करंसीज हैं वो तो आसानी के साथ मिल जाती हैं अभी ये थोड़ा सा मुश्किल करना पड़ेगा जो छोटे छोड़ छोटे मुल्कों की करेंसी है वो थोड़ी दिक्कत से मिलेगी लेकिन डॉलर पाउंड स्टर्लिंग येन ये आपको आसानी से मिल जाते हैं यू ऑन भी सो दिस इज द गुड थिंग ऑफ द फॉरन एक्सचेंज मार्केट एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन इट और अन अदर थिंग इज कि अगर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं तो दैट कैन आल्सो बी अ पॉसिबिलिटी फिर आपको दोबारा से बहुत ज़्यादा हाई टेक किस्म की स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन uh, के पास जाकर नई अपनी ट्रांजेक्शन्स करनी यू कैन अगैन यू कैन बाई लुकिंग एट द ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट करेंसीज यू कैन बाय एंड सेल वेन एवर यू वॉन्ट टू सो देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द परचेज और द सेलिंग ऑफ द फॉरन एक्सचेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो जो भी जहां भी कहीं भी किसी भी किस्म की बाइंग एंड सेलिंग हो रही है फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हिस्सा बन जाएगा नाउ फॉरेन एक्सचेंज में डील करने वाले मुताद तरह के एंटिटीज होते हैं उनमें हमारे पास बैंक भी हैं फॉरन एक्सचेंज के डीलर्स हैं आप अभी अपने शहर के किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएंगे आपको वहां पे फॉरन एक्सचेंज के डीलर्स आसानी से मिल जाएंगे फिर देर आर अ नंबर ऑफ कमर्शियल कंपनीज जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं फिर सेंट्रल बैंक है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स हैं हेज फंड्स हैं रिटेल फॉरेक्स डीलर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज के, के अंदर काम करते हैं और उनसे आपको इस किस्म की ट्रांजेक्शन के लिए आपको आसानी के साथ आपको डिफरेंट तरह की करेंसीज uh, अवेलेबल हो सकती हैं जिसमें आप बिजनेस कर सकते हैं आप उसको हासिल कर सकते हैं बेच सकते हैं नाउ देर आर इंपॉर्टेंट थिंग्स ट आर टू बी अकाउंटेड फॉर के हमारे पास फॉरन एक्सचेंज के अंदर दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं एक है स्पॉट ट्रांजेक्शन और दूसरी है फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन स्पॉट ट्रांजेक्शन का मतलब यह है कि आपकी फ्लाइट है कल आपने अमेरिका जाना है आपके पास पाकिस्तानी रुपए हैं आपको यूएस डॉलर चाहिए आप अभी किसी फॉरन एक्सचेंज डीलर के पास जाएंगे और वहां पर जाके ऑन द स्पॉट वो आपको रेट uh, कोट करेगा आज स्टेट बैंक ने ये रेट दिया हुआ है फला करेंसी का आप उसके हिसाब से अपनी ट्रांजेक्शन विल टेक प्लेस अपनी ट्रांजेक्शन करेंगे पी आर देंगे और उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर मिल जाएगी आपको तो ऑन द स्पॉट दोनों करेंसी का ट्रांजेक्शन हो गया दिस इज कॉल्ड द स्पॉट ट्रांजेक्शन अभी सम्स ऐसा नहीं होता समटाइम्स क्या होता है कि आप फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें क्या हो रहा है कि एक एंड के ऊपर पेमेंट अभी हो रही है दूसरे एंड की पेमेंट डेफर्ड होती है यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद टेक प्लेस होगी सो देर फॉर देयर ट्रांजेक्शन विल बी नोन एज द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन सो वैन वी आर डीलिंग विद द फॉरन एक्सचेंज वी कैन गो फॉर द स्पॉट ट्रांजेक्शन एंड वी कैन गो फॉर द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू आर इन और जब फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट आ जाता है सो इन्वेस्टर जो हैं वो फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में स्पेकुलेन को मद्देनजर रख के ओवरऑल देखते हैं ट्रेंड्स के इसका क्या हिसाब किताब होने वाला है फ्यूचर में उसके हिसाब से अपने फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट करते हैं या उनको अमल में लेकर आते हैं